नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल आपका है, सबसे पहला सवाल हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। दोस्तों याद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। याद देखिएगा पंचवीस, ठीक है। पंचवीस जो है दोस्तों ये ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। याद देखिएगा दोस्तों वेद कितने होते हैं, वेद चार होते हैं। वेदांग कितने होते हैं दोस्तों, वेदांग सिक्स होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे कि वेद कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है दोस्तों, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र है, ठीक है। ऋग्वेद के नौवें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है, तो पंचवीस जो है ये सामवेद से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला सेकंड नंबर कि सुत कांगेडोर की खोज किसने किया। दोस्तों याद रखिएगा कि सुत कांगेडोर की खोज किया था ऑरेल अस्टाइन ने, ठीक है। याद रखिएगा ऑरेल अस्टाइन ने सुत कांगेडोर की खोज किया था, ऑरेल अस्टाइन ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है थ्री नंबर कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। दोस्तों याद रखिएगा 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो दोस्तों सर्प है, यानी कि सांप। याद रखिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ है जिसके प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है, यानी कि सांप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, फोर नंबर सवाल देखिए। फोर नंबर सवाल आपके सामने है कि बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। दोस्तों याद रखिएगा तो बहमनी वंश का जो राजभाषा था ये तमिल था। याद रखिएगा क्या था, तमिल जो था ये बहमनी वंश का राजभाषा था, तमिल। अगला है फाइव नंबर कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि अकबर द्वारा दास प्रथा का जो अंत किया गया था ये 1562 में किया गया था। याद रखिएगा कि 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। अगला है सिक्स नंबर कि शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया। दोस्तों याद रखिएगा तो शिवाजी द्वारा पहली बार जो सूरत को लूटा गया था ये 1664 में, ठीक है। याद रखिएगा कि 1664 में शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को लूटा गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके दोस्तों सेवन नंबर सवाल देखिए। सेवन नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था। दोस्तों याद रखिएगा तो बहादुर शाह को जाना जाता था शाहे बेखबर के नाम से। याद रखिएगा कि बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था, तो साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला एट नंबर किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। दोस्तों किसने जीता, याद रखिएगा किस पुर्तगाली वायसराय ने, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है यानी कि पुर्तगाली वायसराय है जिन्होंने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। दोस्तों याद रखिएगा गोवा वर्तमान में कब आजाद हुआ, गोवा देखिए पुर्तगालियों से कब्जा हो गया था दोस्तों ये 1961 में। याद रखिएगा गोवा जो है 1961 में पुर्तगाली से आजाद हुआ, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा जो दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों नाइन नंबर सवाल देखिए, मिलान करना है दोस्तों, ठीक है, यानी असत्य मिलान का चयन करें। अगर बात करेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1602 ईस्वी में, ये दोस्तों सही है, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1616 ईस्वी में, ये भी सही है दोस्तों। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1646 में हुआ था, गलत है दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, असत्य का मिलान चयन करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये असत्य है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था ये 1664 में हुआ था, कब हुआ था, 1664 में, 1646 में नहीं, 1664 में हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ठीक है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 में हुआ था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, असत्य है, ठीक है। अगला है दोस्तों 10 नंबर कि काल कोठरी की त्रासदी यानी कि बैक होल ट्रेजी नामक घटना कब घटा। दोस्तों यह हुआ था 20 जून 1756 में, याद रखिएगा 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना हुआ था, ठीक है, 20 जून 1756। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 11 नंबर सवाल देखेंगे, तो 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया। दोस्तों किसने किया था, तो हंस राज ने किया था। याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे दोस्तों, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यानी कि अंग्रेजों की तरफ से मारे जाने की संख्या कितनी,
कितनी है, 300 समथिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया, किसने किया था, तो हंस राज ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था दोस्तों, कितने समर्थकों के साथ, तो 79 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू कब हुआ था, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था दोस्तों, और 6 अप्रैल, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। दांडी यात्रा 24 दिनों तक चला था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किए थे, 79 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किए थे गांधी जी ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 13 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किसने नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किसने दिया था, तो सैमुअल एडम्स ने दिया था, याद रखिएगा सैमुअल एडम्स ने क्या कहा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है, याद रखिएगा कि 14 नंबर सवाल है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया दोस्तों। अगर बात करते हैं कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो बात करेंगे यहाँ पे मेजनी, ठीक है दोस्तों। मेजनी ने क्या किया था, यंग इटली की स्थापना किया था, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था। अगला दोस्तों 15 नंबर सवाल कि आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है, याद रखिएगा कि आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है दोस्तों, वो है देवयानी, ठीक है। देवयानी जो है ये आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। यहाँ 14 नंबर सवाल क्या था, यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किए थे, ठीक है। अगला 16 नंबर कि निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा तो इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा। बाकी जैसे कि अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, इक्वाडोर से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों कौन, मकर रेखा। मकर रेखा दोस्तों लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों कि लिम्पोपो नदी को 2 बार कौन काटती है, मकर रेखा। कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा जो है दोस्तों ये कांगो नदी को 2 बार काटती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे कि अर्जेंटीना राजधानी क्या है दोस्तों, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है दोस्तों, प्रिटोरिया, ब्लूम फाउंटेन, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है दोस्तों, प्रिटोरिया, ब्लूम फाउंटेन, ठीक है दोस्तों। एक और क्या है दोस्तों, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका राजधानी 3 कौन कौन सा है, कॉमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है, जल्दी से। इक्वाडोर की राजधानी क्या है दोस्तों, अगर बात करेंगे कि इक्वाडोर से होकर नहीं गुजरती है कौन, मकर रेखा जो है इक्वाडोर से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल है कि असत मिलान का चयन करें, असत है दोस्तों। बात करेंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि गोल्ड कोस्ट घाना को कहा जाता है, अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है, अफ्रीका को क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप। वनों का देश नाइजीरिया कहा जाता है, गलत दोस्तों, यानी कि असत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत है। वनों का देश किसे कहा जाता है, तो कांगो को, याद रखिएगा, कांगो को वनों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। कांगो क्या कहा जाता है, वनों का देश, नाइजीरिया को नहीं कहा जाता है, ठीक है। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है, अफ्रीका को। गोल्ड कोस्ट घाना को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। वनों का देश कांगो को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11-17 का। 18 नंबर सवाल है दोस्तों कि संकोच नदी निम्न में से किस 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है दोस्तों, याद रखिएगा, यह बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, याद रखिएगा कि संकोच नदी जो है ये किस 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या पायार के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड राज्य में, याद रखिएगा कि लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या पायार के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। अगला है 20 नंबर की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है दोस्तों, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है ये किस में स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगर बात करेंगे कि वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ठीक है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर सवाल देखिए, 21 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है दोस्तों। सबसे पहला कथन है कि इसका काला रंग टिटेनी, फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है, ये सही है दोस्तों। इसे काली कपासी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये भी सही है।
इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से टूटने फूटने से होता है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, क्या दोस्तों सही है। ठीक है चलिए अगला देखेंगे 22 नंबर सवाल कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है, वह है दोस्तों चीन। याद रखिएगा कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादकता कौन है दोस्तों, वह है दोस्तों चीन। चीन राजधानी क्या दोस्तों, बीजिंग। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक है याद रखिएगा। अगर बात करेंगे वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, जो वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है चलिए अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी। जापान की राजधानी क्या दोस्तों, टोक्यो। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है दोस्तों 23 नंबर सवाल, देखिएगा 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय स्थित है ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है कोलकाता में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। अगला है 24 नंबर कि भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा तो इंडाल्को के सहयोग से। याद रखिएगा कि निम्न भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान, यानी कि इंडाल्को का जो स्थान है कनाडा के सहयोग से हुआ है। याद रखिए कनाडा राजधानी क्या है दोस्तों, ओटावा जो है ये कनाडा की राजधानी है। ठीक है दोस्तों याद रखिए कनाडा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा कौन सा है दोस्तों, कनाडा है। ठीक है चलिए अगला देखेंगे, याद रखिए दोस्तों किस देश का तटरेखा सबसे लंबा है दोस्तों। याद रखिए कनाडा देश का तटरेखा सबसे लंबा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है 25 नंबर सवाल है कि पुनः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है दोस्तों, ये है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है याद रखिएगा कि पुनः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 26 नंबर सवाल, देखिए 26 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना, संविधान के प्रति निष्ठावान कर रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। याद रखिए मूल कर्तव्य नहीं है ऑप्शन नंबर ए जो है, ये लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि जैसे कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये है दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना ये भी है, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी क्या दोस्तों मूल कर्तव्य है। ठीक है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ये मूल कर्तव्य नहीं है। अगर बात करेंगे कि मूल कर्तव्य का उल्लेख भाग कितना में दोस्तों, याद रखिएगा मूल कर्तव्य का जो उल्लेख, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है दोस्तों, और अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद जो है दोस्तों 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार। ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है 27 नंबर सवाल, देखिए 27 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। वंश परंपरा के अनुसार, देशीकरण द्वारा, वंशीकरण द्वारा या भूमि विस्तार द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से चारों के द्वारा। ठीक है 1, 2, 3, 4 यानी कि वंश परंपरा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वंशीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है अगला दोस्तों 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर निर्देशांकित चेक कहा दोस्तों, किसने कहा, तो केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था, केटी शाह। ठीक है केटी शाह ने क्या कहा था, नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा। ठीक है अगर बात करें दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों भाग 4 में है, और नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 के 36 से 51 तक है दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागरिकता जो उल्लेख है दोस्तों याद रखिएगा भाग 2 में है 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया और भाग 2 में किया गया है। ठीक है नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है दोस्तों भाग 4 में है, कहां से लिया गया नीति निर्देशक तत्व को, आयरलैंड के संविधान से, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर सवाल, देखिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा ये नहीं किया गया था, गाई पोरिया समिति का गठन नहीं किया गया था। ठीक है तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था, तो गाई पोरिया समिति का गठन नहीं किया गया था, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, राज मनार आयोग का गठन किया गया था, भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था, गाई पोरिया समिति का गठन नहीं किया गया था। अगला है दोस्तों 30 नंबर सवाल कि किसका मिलान गलत है दोस्तों। सबसे पहला है कि राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद
156 में है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का जो अभिन्न अंग है वो अनुच्छेद 164 में है, ये भी सही है। ठीक है, राज्यपाल का शपथ दोस्तों अनुच्छेद 160 में है, गलत दोस्तों। राज्यपाल को जो शपथ है दोस्तों अनुच्छेद 159 में, 159 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ये गलत है। ये क्या दोस्तों, मिलान जो है गलत है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल को जो शपथ है दोस्तों ये अनुच्छेद 160 में नहीं है, अनुच्छेद 159 में, 159 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल है कि कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, ये वित्त विधेयक को साथ साथ पारित किया जाता है, यानी कि कौन सा विधेयक, यानी वित्त विधेयक जो है ये बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। वित्त विधेयक का जो उल्लेख है दोस्तों ये अनुच्छेद 117 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। धन विधेयक का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 110 में, याद रखिएगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों वित्त विधेयक, होता है दोस्तों वित्त आयोग, वित्त आयोग का जो उल्लेख है दोस्तों 280 में है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया दोस्तों। किसके सिफारिश पर, तो याद रखिएगा दोस्तों अगर बात करेंगे श्री सेशन के सिफारिश पर। ठीक है, श्री सेशन के सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को जो वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का स्थापना कब हुआ था, निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 नंबर सवाल है कि 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों कब तक रखा गया है, तो 2026 तक। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है, 2026 तक। ठीक है, अगला है 34 नंबर कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, SV कृष्णमूर्ति राव जो थे ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 35 नंबर सवाल, मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं मिलान करने की बात करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर देखेंगे तो 3 का 1 का 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 1 का 3। ठीक है, अगर देखेंगे तो 1 का 3 देखिए क्षमादान, याद रखिए दोस्तों क्षमादान के अगर बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुनः माफ करना। ठीक है, क्षमादान यानी कि पुनः माफ कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा परिहार। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों परिहार का मतलब होता है दोषी व्यक्ति के सजा की मात्रा को कम करना। ठीक है, परिहार का मतलब दोषी व्यक्ति की सजा की मात्रा को कम करना। सी का हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा लघुकरण, सजा की प्रकृति बदलाव करना। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, विराम का क्या हो जाएगा, सजा पर रोक लगा दिया जाना, और प्रविलंबन का क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए सजा को टालना। ठीक है, तो क्षमादान पुनः माफ कर देना, परिहार दोषी व्यक्ति की सजा की मात्रा को कम कर देना, लघुकरण सजा की प्रकृति बदलाव करना, विराम सजा पर रोक लगा दिया जाना, और प्रविलंबन कुछ समय के लिए सजा को टालना। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे इसको आप मिलान भी कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखिए दोस्तों 36 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, 36 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है दोस्तों। याद रखिएगा ये दोस्तों हिरण। ठीक है, हिरण जो है ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, याद रखिएगा। ठीक है, अगला 37 नंबर कि किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा पिकनोक्लाइन। ठीक है, पिकनोक्लाइन जो है यह किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, कौन, तो पिकनोक्लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 का। अगला है 38 नंबर कि निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है दोस्तों। याद रखिए कौन सा आर्द्रभूमि जो है ये मिजोरम राज्य में है, तो पाला आर्द्रभूमि जो है दोस्तों ये मिजोरम राज्य में है। किस राज्य में है, पाला आर्द्रभूमि जो है ये मिजोरम राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला है 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा वृक्ष एवं झाड़ियों का जो अध्ययन है ये डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला है 40 नंबर कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा किसमें पाया जाता है, ये गोल्जी कायम है। ठीक है, याद रखिएगा कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंग में पाया जाता है, तो गोल्जी कायम में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, 41 नंबर है कि तेल का एक बैरल
निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर होता है। याद रखिएगा कि तेल का एक जो बैरल होता है निम्न में से लगभग कितना लिया होता है, तो 159 लीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला दोस्तों 42 नंबर मिलान करना है। अगर बात करेंगे फैदोमीटर, दोस्तों याद रखिएगा समुद्र की गहराई, ठीक है, याद रखिएगा बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई। ठीक है, इसके हिसाब से ए का क्या हो जाएगा, ए का 4, ए का 4 ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों में है। बी का 1 दोस्तों याद रखिएगा बी का 1 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, और मेन रूप से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी। सी का 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और डी का क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल है कि लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों किसके ऊपर निर्भर करती है, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला 44 नंबर कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है कौन कौन सा, तो लाल, हरा तथा नीला। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल, हरा तथा नीला जो है एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनते हैं, कौन कौन से, लाल, हरा तथा नीला। चलिए अगला देखते हैं। 45 नंबर देखिए। 45 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक है, एक समान तापमान को बनाए रखना, ये रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। अगला है 46 नंबर कि फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भरी जाती है दोस्तों नियोन। नियोन का संकेत क्या होता है, Ne होता है दोस्तों, इसका परमाणु संख्या 10 होता है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियोन भरी जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है दोस्तों ये क्या है, ये है दोस्तों रुद्रम। ठीक है, रुद्रम जो है ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। ठीक है, अगला 48 नंबर कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की प्रोटॉन संख्या कितना होगा, तो ये 18 होगा दोस्तों। याद रखिएगा कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या क्रमशः 18 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, इस तत्व की प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 18 होगा। ठीक है, अगला है 49 नंबर सवाल कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा CSO4 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CSO4 H2O। जिप्सम का होता है CSO4 2H2O। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर सवाल। तो 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि वायुयानों के टायरों में भरने में कौन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा तो ये किया जाता है नाइट्रोजन का। तो वायुयानों के टायरों में भरने वाले कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का दोस्तों, किसका किया जाता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। अचार जो है दोस्तों ये क्या है, ये एस्टिकम्ल हो जाएगा, खट्टा दूध लैटिकम्ल, ठीक है, सेब दोस्तों मैलिकम्ल, उसके बाद दोस्तों डी का ऑप्शन नंबर यानी कि शीतल पेय एवं सोडा वाटर जो हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 52 नंबर सवाल देखिए। 52 नंबर सवाल है कि माचिस बनाने में निम्न प्रमुख वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी माचिस को तिल्ली पर जो रहता है दोस्तों काला काला क्या रहता है, लाल फास्फोरस रहता है, यानी माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, सोडियम परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, इसका संकेत Na होता है। सोडियम को क्वेश्चन तेल में डुबा कर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 53 नंबर कि मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, कौन था दोस्तों, गार्डन पी, यानी कि गार्डन पी मटर, याद कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह था दोस्तों गार्डन पी मटर। ठीक है, याद कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 54 नंबर सवाल देखिएगा। 54 नंबर सवाल है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो याद रखिएगा 20 दांत। ठीक है, 20 दांत जो दोस्तों ये 2 बार विकसित होता है मनुष्य के जीवन काल में। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला है 55 नंबर कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है दोस्तों, याद रखिएगा
तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, याद रखिएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता ये प्रभावित करती है किसको, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 56 नंबर सवाल देखिएगा। 56 नंबर सवाल है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है दोस्तों, याद किसका होता है, तो नीला और लाल का। ठीक है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, नीला और लाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का। अगला दोस्तों 57 नंबर सवाल देखिए, 57 नंबर सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगर बात करेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो अस्कर्वी रोग होता है, याद रखिए विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, एडिटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरीबेरी होता है दोस्तों। यहाँ पे बस क्या फॉलिक अम्ल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, रक्त अल्पता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें अगर देखेंगे तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 है, ए और बी सी दोनों में है। ठीक है, फॉलिक अम्ल क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी तीनों में है। सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का 1 हो जाएगा, ये क्या है, ए और बी दोनों में है। अगर देखेंगे तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, ये बेरीबेरी होता है, तो डी का 2 होता है, तो डी का 2 सिर्फ किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला आपके सामने 58 नंबर सवाल दोस्तों, ये भी मिलान करने का। जैसे कि अगर बात करेंगे सूची 1 है दोस्तों, सूची 2 है, इधर क्या है दोस्तों, हार्मोन है, उधर क्या है दोस्तों, स्रावित ग्रंथि है। जैसे कि बात करेंगे कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये गर्भाशय यानी कि महिलाओं में होता है, टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष में होता है दोस्तों, थायरोक्सिन थायराइड इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 3, ए का 3 ए और सी दोनों में है, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4, बी का 4 क्या है दोस्तों, ए और सी ये भी दोनों में है, सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या है दोस्तों, 1, सी का 1 किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का 1 ए और बी दोनों में है। ठीक है, अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, 2, तो डी 2 क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जब हम लोग बी देखेंगे तो बी 4 है दोस्तों, तो बी 4 सिर्फ ए में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, यहां पे देखते हैं, देखिए अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 59 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 59 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है दोस्तों, याद रखिएगा हैजा जो है ये जल जनित रोग है, हैजा। ठीक है, याद रखिएगा चेचक टीके खोज किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा एडवर्ड जिनर ने चेचक टीके खोज किया था। ठीक है, लुई पाशर ने क्या किया था दोस्तों, तो लुई पाशर ने रेबीज के टीके की खोज किया था, याद रखिएगा। 60 नंबर है कि केसर मसाला सैफ्रन स्पाइस बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ये लाया जाता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो केसर जो हो दोस्तों मेन रूप से कहां से सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 61 नंबर कि मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन कब किया गया, ये किया गया था दोस्तों 1990 में। ठीक है, याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक HDI का जो प्रतिपादन कब किया गया था, 1990। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, 62 नंबर सवाल देखिएगा, 62 नंबर है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों, याद रखिएगा तो नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने जीता, तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल के खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच। अगला है 63 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहला कि डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, ये सही है दोस्तों, डॉक्टर मनोज सोनी जो है ये UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड कि नए आदेश बने हैं, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों सही है, आप क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, तो एक और दोनों क्या है दोस्तों, दोनों सही है, 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63 का। चलिए 64 नंबर सवाल देखते हैं, देखिए 64 नंबर सवाल है दोस्तों, व्यक्ति है और संबंधित क्षेत्र, जैसे कि लिंडा याकारिनो दोस्तों आपको पता ही होगा ट्विटर के नए CEO है, CEO के अध्यक्ष कौन है, लिंडा याकारिनो। प्रवीण सूद CBI के नए महानिदेशक है दोस्तों। अर्जुन मेघवाल जो दोस्तों ये भारत के नए कानून मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त, दोनों तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, तीनों क्या है, तीनों सही है, लिंडा याकारिनो याद रखिएगा ट्विटर के CEO, ठीक है, प्रवीण सूद CBI के नए निदेशक और अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री। अगला है 65 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है दोस्तों, ये इंडोनेशिया में रखे हैं, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की जो आधारशिला है ये किस देश में रखी है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया राजधानी क्या है दोस्तों, जकार्ता, याद रखिएगा। इंडोनेशिया में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है, आसियान में टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों, 11 देश शामिल है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है, तो कैनबरा, ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, और जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है 66 नंबर सवाल, देखिएगा 66 नंबर है कि किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। दोस्तों याद रखिए किस पर निर्भर करता है, तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है ये तीनों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार के आकार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला 67 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों, भारत का 160वीं है। क्या है? 160वां है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रैंकिंग है दोस्तों, क्या है? 160। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 68 नंबर सवाल। देखिए 68 नंबर है कि भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ। दोस्तों ये कहाँ हुआ? जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में प्रथम महिला रोजगार जो कार्यालय है ये कहाँ स्थापित हुआ है, यानी कहाँ स्थित हुआ है, ये है जयपुर। जयपुर किसे जाना है दोस्तों? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयपुर को किसने बसाया था? तो सवाई जयसी प्रताप ने जयपुर को बसाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 69 नंबर कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है। दोस्तों यह है दोस्तों रूस। कौन है दोस्तों? रूस। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है, वह है दोस्तों रूस। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है दोस्तों, अगला है आपके सामने 70 नंबर कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो होता है ये किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला है 71 नंबर है कि यूनिवार्ता, ठीक है, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है। ये दोस्तों भारत का। ठीक है, यूनिवार्ता जो है ये भारत का एक समाचार एजेंसी है, यूनिवार्ता। अगला 72 नंबर कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखिएगा लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग में स्थित है यूरोपीय संसद का मुख्यालय, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखेंगे 73 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है। दोस्तों याद रखिएगा सऊदी अरब की राजधानी, याद रखिएगा दोस्तों रियाद। रियाद दोस्तों ये सऊदी अरब की राजधानी है, थोड़ा सा याद रखिएगा। सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी। मस्कट दोस्तों ये किसकी राजधानी है? तो ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 74 नंबर कि डायट किस देश के संसद का नाम है। दोस्तों तो ये जापान का है। ठीक है, याद कीजिएगा डायट जो है ये किस देश के संसद का नाम है। जापान के संसद का नाम क्या है दोस्तों? डायट। जापान की मुद्रा क्या नाम है दोस्तों? एन। जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम। ईरान की राजधानी तेहरान। नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, अगला 75 नंबर कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है। ये दोस्तों मानसिनराम मेघालय। ठीक है, मानसिनराम कहाँ पड़ता है? मेघालय राज्य में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? मानसिनराम। ठीक है, अगला 76 नंबर देखेंगे हम लोग। 76 नंबर सवाल है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया। दोस्तों किसने किया? तो ये जेम्स रॉबिन ने किया और विलियम नोर धास ने किया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों ने किया है। ठीक है, तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया? तो जेम्स रॉबिन और विलियम नोर धास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों ने किया है। अगला 77 नंबर है कि शांतिवन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो याद रखिएगा ये जवाहरलाल नेहरू है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये कब से कब तक रहे? ये 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। 1964 में इनका निधन हो गया था, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो शांति वन में किस महापुरुष की समाधि स्थल है? यह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। ठीक है, अगला 78 नंबर है कि प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया था। यह 1949 में किया गया था, याद रखिएगा प्रादेशिक सेना का जो गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में नाटो का भी स्थापना हुआ दोस्तों, याद रखिएगा कि नाटो का स्थापना जो है एक संगठन है नाटो, जिसमें टोटल 31 देश शामिल है दोस्तों, जिसमें 31वां देश नया शामिल हुआ है फिलीपींस। ठीक है, जिसका राजधानी होता है मनीला। ठीक है, याद रखिएगा 1949 में नाटो का भी स्थापना हुआ था। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने है, आपके सामने 79 नंबर सवाल है कि भाखड़ा गिद्दा डफ धमान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों ये पंजाब का है। ठीक है, भागड़ा गिद्दा डफ धमान जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे 80 नंबर सवाल दोस्तों, ठीक है, सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में
द्वितीय क्षेत्रक का योगदान कितना था दोस्तों? ये 15% था। कितना था? 15%। ठीक है, तो सन 1950-51 भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान कितना था? 15% था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करेंगे आपका, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि 81 दोस्तों 82 इसमें क्या दोस्तों, आपका मैथ का सवाल है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 85 हो गया दोस्तों। ठीक है, 86 नंबर सवाल है दोस्तों, इसको आप पॉज करके यानी कि रोक के क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों आपका है 87 नंबर सवाल दोस्तों, मैथ का सवाल है जो चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है, वर्ग दोस्तों, आयत याद रखिएगा, त्रिकोणमिति का सवाल है जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम में ठीक है पूछता है दोस्तों। हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ से 91 नंबर सवाल, देखिएगा 91 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, 91 नंबर सवाल देखेंगे कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अगर बात करेंगे हम लोग कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये सम का हुआ है दोस्तों। किसका हुआ है? सम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 92 नंबर सवाल है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है तो कवयित्री, याद रखिए कवयित्री जो है एक कवि का स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। अगला है 93 नंबर कि पवन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, तो पो प्लस अन, याद रखिएगा पो प्लस अन जो है ये क्या है? पवन का संधि विच्छेद है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 94 नंबर सवाल देखिए, 94 नंबर सवाल है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ती चिड़िया का पंख गिनना असंभव कार्य करना। अगला है 95 नंबर कि गंदला, गंदा मैला मलिन किस शब्द के परिभाषित है दोस्तों, यह पंकील का। ठीक है, किसका है? पंकील, यानी गंदला मैला मलिन किस शब्द के प्रवाची हैं? ये पंकील का है। अगला 96 नंबर कि ही वाजंट एंटायरली कन्विंस्ड, ठीक है दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये अंडरलाइंड है जो है, ये साइनोम है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एक्सेप्टिंग। ठीक है, 96-97 नंबर सवाल है कि एयर ट्रैवल इज द फास्टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 97 का, फास्टेस्ट ग्रोइंग इमीटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फास्टेस्ट। आगे जो 98 नंबर है कि चूज द वर्ड ऑफ दैन कैंड सबमिट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, जोडिक, क्या हो जाएगा? जोडियाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 98 का। 99 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि द होम आई, ठीक है आई हैड लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा? आई हैड शेयर्ड विथ माय हस्बैंड इन 1986 टिल स्मेल्ड लाइक हिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 98 का, हैड शेयर्ड। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 100 नंबर सवाल है जो आज का लास्ट सवाल है, चूज द वर्ड दैट गिवन अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि प्रोसीड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, विथड्रॉ हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? विथड्रॉ। ठीक है, ऑप्शन 100 का सी हो जाएगा दोस्तों। तो हमने दोस्तों 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके दोस्तों, मैथ का आप लोग सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद वंदे मातरम, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद वंदे मातरम।